हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम अपन ने कुछ हीटिंग इफेक्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ा था, ठीक है। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में से अगर वायर क्या होता है, वायर में से मतलब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वहाँ पर अगर रजिस्टर वो करंट को ब्रेक डाउन अगर करता है तो वहाँ पर उसका करंट जो है वो रुक रुक के चलता है, मीन्स रजिस्ट होके चलता है, मतलब फ्लो कम ज़्यादा होता है। ये अपन ने कल थोड़ा सा बहुत रिलेटेड पढ़ा था। उसका इफेक्ट जो था वो वायर के ऊपर अपने को दिखा था कि वो वायर हीट जो था वो लिबरेट करता था, इवेपोरेट करता था, उसका इफेक्ट कुछ अलग अलग होता था, ठीक है। अब उसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है, तो कुछ साइंटिस्ट ने वो जो हीट बाहर इवेपोरेट होता है तो उसका यूटिलाइजेशन कुछ अलग से डिवाइस में करके कुछ अलग ही काम किया, ठीक है। तो फिर जो वायर था जो मैक्सिमम क्वांटिटी में हीट इवेपोरेट करता है उसको आगे चल के उन्होंने कॉइल के फॉर्म में अपने सामने लाया, ठीक है। अब कॉइल क्या होता है, मान के चलो एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर को मैं लूप फॉर्म में अगर सर्कुलर करा दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार का कॉइल बन जाएगा, ठीक है। मान के चलो आपके घर में हीटर है, ठीक है। हीटर अगर वो मतलब बकेट में डुबोने वाला है, मतलब पानी में डुबो के रखने वाला है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे एक रिंग चूड़िया लाइक ऐसे कुछ सर्कल्स होते हैं, तो एक प्रकार की कॉइल होती है। अब ये कॉइल क्या करती है, देखो, अब जो कॉइल होती है उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो वो मैक्सिमम क्वांटिटी में हीट को लिबरेट करती है और उसी का इफेक्ट वो ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर रिलीज करती है और वो हीट का अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी गर्म करने के लिए आयरन होता है आपका, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है उसके अंदर में भी वो एक कॉइल ही होती है, वो भी उसी प्रकार से काम करती है, ठीक है। इस प्रकार से उसके इफेक्ट कैसे कैसे होते हैं वो सब अपन देखेंगे। फिर आपने आपके घर में देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में कभी कभार मान के चलो आपके घर में आपने एट अ टाइम फ्रिज, टीवी, कूलर, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है एट अ टाइम अगर शुरू करा दिए और उसको सप्लाई मतलब लाइट कम ज़्यादा हुई, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई कम ज़्यादा हुआ, तो आपके घर में ड्रिप पड़ जाती है, मतलब आपके घर का फ्यूज उड़ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये सभी के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। कभी कभार तो फायर भी लग जाती है कभी कभार, ठीक है ना, वो क्यों होता है, तो ये सभी के सभी आंसर आपको आज ये चैप्टर के अंदर में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा मैंने सबसे पहले यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है। और आपने देखा है कि कल अपने जूल्स लॉ केस में देखा था कि हीटिंग का इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड होता है, पावर का फॉर्मूला देखा था अपन ने। चलो फिर इसका डेफिनेशन देखते क्या होती है, व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। कल अपने देखा था एक रजिस्टर आर, जो अपने मतलब रेजिस्टेंस भी उसको बोलते हैं, उसको रजिस्टर भी बोलते हैं। तो अगर सर्किट में अपन रजिस्टर यूज करते हैं तो वो रजिस्टर क्या करता है, हीट इज प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू द करंट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो फिर से, व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हीट इज प्रोड्यूस, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में करंट जो जाने वाला है उसको रोक रोक के भेजेगा। मैंने बोला था कि हाईवे रोड पे स्पीड ब्रेकर जो स्पीड को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार सर्किट के अंदर का करंट जो है वो कंट्रोल करने का काम ये रजिस्टर करता है। तो वो रजिस्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट है तो उसको हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, एंड इन इट ड्यू टू द करंट इट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। चलो आगे, अब ये जो है ये इक्विपमेंट्स जो अपने घर में होते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स में अपन हीटिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लेके अपन जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ का यूज़ करते हैं। देखो आपके घर में वाटर बॉयलर होता है, पानी को गर्म करने वाली डिवाइस, आजकल अपने बाथरूम में लोग वही यूज़ करते हैं जिसको गीजर वगैरह अपन बोलते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक कुकर भी होते हैं आजकल, वही भी डिवाइस बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल के आप उसका यूटिलाइज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसके अंदर में मान के चलो वाटर बॉयलर है, इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो उसके अंदर में क्या होता है, एक कॉइल होता है। कॉइल मतलब एक प्रकार का वायर ही होता है जो एक तो मेटल से बना होगा, नहीं तो अलॉय से बना होगा। अब ये अलॉय होता क्या है, अलॉय मतलब होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर, ठीक है, उसको अपन अलॉय बोलते हैं, ठीक है। उसमें मेटल रहेंगे या फिर मेटल या नॉन मेटल या मेटालॉइड्स जो भी है, तीनों का कहीं ना कहीं क्या रहेगा, मिश्रण रहेगा जो कम ज्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा। सो कॉइल क्या होती है, मान के चलो अगर मैं निक्रोमी वायर लेता हूं, ठीक है, तो ये जो है इसकी जो कॉइल बनती है वो इलेक्ट्रिक हीटर को या कुकर में यूज होती है, निक्रोम,
ठीक है, एक होता क्या आगे चल के आपको समझ में आएगा। इतना ही ध्यान में रखना कि निक्रोम का एक वायर, जैसे अपने यहाँ पे कॉपर एल्यूमिनियम वायर यूज होते हैं, उसी प्रकार एक निक्रोम का वायर होता है वो इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में यूज होता है। ठीक है, अब जो एक टंगस्टन होता है, ये टंगस्टन एक फिलामेंट होती है, मतलब एक प्रकार का वायर ही होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। अगर मान के चलो आपने आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, तो ये मान के चलो ये बल्ब है, ये बल्ब के अंदर में ये जो आपको दिख रहा है ना ये ऊपर वाला, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। और जिसी को सोलेनोइड टाइप कॉइल भी बोलते हैं। और ये फिलामेंट जो है ये टंगस्टन से बनी होती है, बाद में अपन उसको डिस्कस करेंगे, बस इतना ही ध्यान में रखना कि टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब से बनी होती है। ठीक है, और सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में जो वायर होती है फिलामेंट, वो टंगस्टन से बनी होती है। ठीक है, अब इनके अंदर में जो भी वायर होती है वो हीट मैक्सिमम 3400 डिग्री सेल्सियस तक इवेपोरेट करती है, जनरेट करती है, करके इसका यूज यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी लेके मैक्सिमम क्वांटिटी में हीट क्या करती है, बाहर रिलीज करती है। उसके बाद में जब ये हीट मैक्सिमम क्वांटिटी में इवेपोरेट करेगी, बाहर रिलीज करेगी, तो उसका कन्वर्जन एमिट्स लाइट, लाइट में उसका एमिशन होगा, बाहर लाइट के फॉर्म में निकलेगी। अब यहां तक क्या आपका तो क्लियर हो गया। उसके बाद में है एक शॉर्ट सर्किट नाम का एक वर्ड आपने सुना होगा, कि शॉर्ट सर्किट जो है वो आपके घर में, कंपनी में, आजू बाजू में, इधर उधर आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो वो जो शॉर्ट सर्किट है वो क्यों होता है, बराबर है। अब ये शॉर्ट सर्किट होने के लिए आपके घर में जो वायर है वहां पे कोई माचिस तो लेके नहीं जाएगा, वहां पर आग लगा देगा। ठीक है ना, वो शॉर्ट सर्किट होता है कैसे, तो वायरिंग के बीच में होता है, वायर होते हैं, वायर के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, फिर सर आग लगी कैसे, ये सवाल है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जो है ये आपके घर में, मान के चलो होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन अगर है, तो वो होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वो 3 प्रकार के वायर से बना होता है। ठीक है, 3 वायर से कंसिस्ट होता है, जैसे कि इसको बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है ना, इसी को फ्यूज वायर भी कहा जाता है। इसको लाइव वायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाइव वर्ड आपने सुना होगा कि लाइव मतलब होता है लाइव प्रकाशन, मतलब लाइव टेलीकास्ट, जहां पे वो चीज चल रही है डायरेक्टली आप उसको घर में देख सकते हो, बराबर यही वर्ड होता है। जब कोई टीवी पे अगर लाइव प्रोग्राम चल रहा है वहां पे कॉर्नर में उसका जो चैनल का लोगो है वहां पे लाइव वर्ड आता है। तो इसी में लाइव वायर का मतलब क्या होता है, कि लाइव का मतलब ये वायर में से कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होते रहेगा, गॉट इट। उसके बाद में दूसरा न्यूट्रल वायर जो उसी के साथ में रहता है, और तीसरा है अर्थ वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों साथ में रहते हैं, और अर्थ वायर जो है ये ब्यूराइड होता है अर्थ के अंदर में। ठीक है, अब इसका काम क्या है आगे चल के अपन देखेंगे। ठीक है, अब जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर इन दोनों के बीच में जब करंट फ्लो होता है, मतलब एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है। अगर मान के चलो वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अंदर में 220 वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है तो ठीक है। ठीक है ना, अब मान के चलो कभी कभार वो ज्यादा हो गया, तो वायर की कैपेसिटी थी 220 की, और मान के चलो ज्यादा का करंट वहां से फ्लो हो गया, तो वो क्या करती है, हीट वहां पे इवेपोरेट करती है। अगर मान के चलो वो वायर में से हीट इवेपोरेट हो गई, तो वो वायर के ऊपर एक पीवीसी का कोटिंग होता है, जिसको आप प्लास्टिक बोलते हो, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता, जो पीवीसी कोटिंग होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, अब वो कोटिंग बर्निंग होने लगता है। अब वो कोटिंग बर्निंग हो गया, साइड के भी वायर का कोटिंग बर्निंग होगा, ठीक है ना, पास पास में होने के कारण। अब ये वायर और ये वायर ऊपर का कोटिंग हटने के कारण दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, और दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, और वहां से अगर करंट फ्लो होगा तो वहां पे होती है स्पार्किंग, और उसी स्पार्किंग के कांटेक्ट में अगर प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ जो भी आया, तो वो आगे चल के शॉर्ट सर्किट का नाम, और इट विल बी कैच द फायर्स, और वहां पे फिर आग लगती है। समझ में आया, आपकी किताब में वो पैसेज में दिया है, एक बार अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैं पैसेज का आपको थोड़ा पॉइंट वाइज में बता रहा हूं। तो देखिए इनके बीच में जो वायर होते हैं अपने, कौन से 3 वायर अपने घर में, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का पीडी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होता है 220 वोल्ट का। एग्जाम में आपको पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स द पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट इन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, तो कितना रहेगा वो 220 वोल्ट का। ठीक है, अब उसके बाद में जो अर्थ वायर होता है ये कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, बराबर, मतलब अर्थ के अंदर ब्यूराइड होता है, उसके अंदर कॉपर प्लेट होती है, उसके अगल बगल में सॉल्ट होता है, कोल डालते हैं। ठीक है, अब ये क्यों डालते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा का करंट जो है, जो हाई वोल्टेज वाला करंट है जो कि आपके घर में एंटर हो रहा है, वो अर्थ वायर
ब्यूराइड करता है अर्थ के अंदर में, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट अपन निकल पड़ा था कि वो था 1 वाट, बराबर है 1, ठीक है। अब 1 वाट जो होता है, वाट ये स्मॉल क्वांटिटी का यूनिट है, बहुत कम स्तर पे अपन यूज करते हैं। अगर मान के चलो बड़ी इंडस्ट्रीज में अगर आपको यूज करना है और वहां की इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट अगर निकालना है तो वहां पे यूज होता है 1 किलोवाट इन 1 आवर, मतलब ये बिग यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है, बड़े क्वांटिटी में इसको मेजर किया जाता है। तो 1 किलोवाट इन 1 आवर मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर आपको निकालना है। अब 1 kWh, के मतलब होता है किलो, ठीक है, और W मतलब होता है वाट और H मतलब होता है आवर, बराबर। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये बनेगा 1 kW into 1 आवर, और W मतलब वाट, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि किलो के अपने को क्या लेना पड़ता है, ग्राम, तो 1 किलो के ग्राम कितने हो जाएंगे, 1000, बराबर है, 1 किलो मतलब 1000, और ये हो जाएगा वाट इंटू 1 आवर के सेकंड कितने होंगे, यस 3600 सेकंड हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 36 इंटू 1 कितना 36, और यहाँ पे 30 और ये 20, टोटल 50, बराबर है। अब यहाँ पे इसके बाद में पॉइंट जीरो लिख के रख सकता हूँ, क्योंकि ये 100 मतलब मान के चलो मैंने 100 और 100.0 लिखा, तो कोई वैल्यू चेंज हुई क्या इसमें, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद में पॉइंट लगा के जीरो मतलब वही क्वांटिटी है। और मैंने टेक्निक बताई थी आपको, अगर मैं पॉइंट को पीछे चलाता हूँ, ठीक है ना, याद है आपको, अगर मैं पॉइंट को पीछे चलाता हूँ तो पावर के एडिशन में पॉजिटिव होता है, अगर पॉइंट मैं सामने चलाता हूँ तो पावर के एडिशन में नेगेटिव ऐड होता है, ठीक है। तो मैं पॉइंट पीछे चलाता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 0 1 कम हुआ 3 और यहाँ पे 4 ही लिखा, हाँ चलो ठीक है, अब 50, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 डिजिट में बनाऊँ तो ये वैल्यू बन गई मेरी 3.6। देखो फिर से 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट पीछे सरकाया, तो 10^2 क्या होगा, 6 या -6, यस +6, क्यों, अगर पॉइंट पीछे चलता है तो पावर के एडिशन में क्या होता है, प्लस ऐड होता है, ये चीज पता है आपको, ठीक है। अब ये हो गया आपका 3.6, मतलब 1 kWh इज इक्वल टू कितना होगा, और ये क्या होगा आपका, ये इसका W और इसका सेकंड, मतलब वाट सेकंड, वॉट इट, समझ में आया, ये इसकी वैल्यू रहेगी, एग्जाम में आपको पूछती है या फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है तो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। क्या है, 3.6 × 10^6 वाट सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है आपका, कौन सा, जो बल्ब है, या आपको ये जो डायग्राम निकालनी है या आपको आपके कॉपी में निकालनी, क्योंकि हो सकता है 2 मार्क्स के लिए पूछती भी है या फिर कभी कभार ये लेबलिंग के लिए भी आती है, तो देख लो फट से डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब के डायग्राम आपको क्या क्या दिख रहा है, अगर ये बल्ब आपने देखा है तो इसके अंदर में स्क्रू कैप होती है जो होल्डर के अंदर में लगती है इस प्रकार से, उसके बाद में एक जो लाइट होता है ना उसके अंदर में एक वैक्यूम होता है, बराबर है, जब भी आप लाइट फ्यूज हुआ लाइट ऐसे फोड़ो तो फट से आवाज आती है, क्योंकि उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, एमिट्स होती है, सॉरी एमिट्स नहीं, फील होती है, गॉट इट। उसके बाद में एक जो बीच में दिख रहा है आपको, ये ग्लास सपोर्ट होता है जो कि फिलामेंट को स्टैंड बाय रखता है, ग्लास सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में स्क्रू कैप, उसके बाद में ग्लास का एक बल्ब होता है बाहर के कोटिंग से, और लास्ट में एक सोलेनोइड टाइप कॉइल जो कि फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं, और वो टंगस्टन से बनी होती है, गॉट इट। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो कि बहुत इजी था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये सब नोट्स बनाने हैं, बाद में डायग्राम्स बनानी है, उसको अच्छे से लेबलिंग करनी है, गॉट इट। इसके बाद में एक ध्यान में रखना, इसके बाद 4 प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिए हैं, तो वो 4 में से शुरू के 2 प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड वो कैंसिल करना, क्योंकि 25 सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है उसके अंदर में वो 2 प्रॉब्लम कट कर चुके हैं, गॉट इट। तो उनको दोनों को कट कर लेना, और बाकी का पार्ट अपन देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।